हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स। देखिए आवाज़ सुन रहे हैं कितना क्रंची बना है। यह है साबूदाना के बड़े। आप व्रत और फलाहार में ये खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इजी रेसिपी है। तो चलिए रेसिपी शेयर करती हूँ। ये साबूदाना है, ये मोटे हैं, दो रकम के आते हैं, एक मोटे आते हैं, एक पतले आते हैं। तो मैंने एक कप साबूदाना लिया है और मैं इसे अच्छी तरह धो लूँगी और धो के भिजाऊँगी। मैंने मोटा वाला साबूदाना लिया है, आप चाहे तो पतले से भी बना सकते हैं। तो देखिए मैं पानी डाल दूँगी, अच्छी तरह से धो करके मैं इसे भिजा दूंगी। दो घंटा इसे हम छोड़ देंगे भिजने के लिए ताकि ये अच्छी तरह फूल जाए। देखिए ये फूल चुका है, दो घंटे बाद देखिए फूल गया पूरा। अब हम इसका पानी को निकाल देंगे। पानी निकालने से ये अच्छी तरह से इसका पानी निकल जाएगा तो हमारे बड़े बहुत अच्छे बनेंगे। ताकि हमें जो एक्स्ट्रा पानी है ये निकल जाए तो बड़े हमारे ख़राब नहीं होंगे, मतलब नरम नहीं होंगे। तो पानी हम फेंक देंगे सारा। देखिए हम चालनी में ऐसे छान लिए हैं, छान करके हम पानी को फेंक देंगे और साबूदाना को हम एक से डेढ़ घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि पानी सारा निकल जाए। इसके बाद हम आलू का मसाला रेडी करते हैं। तो हम एक कप साबूदाना लिए हैं तो मैं तीन से चार आलू के टुकड़े ले रहे हैं। ये बड़े आलू है इसलिए मैंने चार टुकड़े चार आलू लिए हैं, साबुत आलू है। और यदि आप छोटा ले रहे हो तो छः सात आलू आप ले लीजिए, अंदाजे से आप आलू ले लीजिए। देखिए हमने मैश कर दिया है, आप चाहे तो ग्रेट भी कर सकते हैं। मैंने ऐसे हरी मिर्च डाल दिया है। हरी मिर्च डालने के बाद मैं धनिया पत्ता डालूंगी इसमें। देखिए मैंने बहुत सारा धनिया पत्ता डाला है इसमें, थोड़ा धनिया पत्ता ज़्यादा डालिएगा ताकि इसका टेस्ट अच्छा हो। मैं फलाहार के लिए बना रही हूँ तो मैं धनिया पत्ता डालूंगी और इसमें गोल मिर्च और सिंधा नमक डालूंगी। देखिए मैं सिंधा नमक डालूंगी। और यदि आप फलाहार के लिए नहीं डाल रहे हो, ऐसे चाय स्नैक्स के लिए चाय के लिए बना रहे हो तो आप इसमें लाल मिर्च डाल सकते हैं और चाट मसाला भी डाल सकते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा उससे। अब मैं इसमें एक चम्मच गोल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। गोल मिर्च से बहुत अच्छा टेस्ट आता है डालने के बाद। अब मैं इसमें नींबू का रस डालूंगी दो चम्मच। अब हम ये साबूदाना का पानी पूरा निकल चुका है, अब हम ये आलू के मिक्सर में डाल देंगे पूरा। डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह हम साबूदाना को मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम इसकी टिक्की तैयार करेंगे। तो पहले हम इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। देखिए हम हाथों से मिला ले रहे हैं ताकि मसाला अच्छी तरह से मिल जाए। तो हम अच्छी तरह से मिलाने के बाद हम इसके बड़े रेडी करेंगे। अब हम हाथों में थोड़ा सा तेल लेकर के हम इसे टिक्की का शेप देंगे ताकि हमारे जो आलू का मसाला है हाथ में ना चिपक सके और टिक्की हमारा अच्छी तरह बन सके। तो देखिए हम ऐसे हथेली में तेल लगा लिए और हम इसे टिक्की का शेप देंगे। गोल गोल हम टिक्की ऐसे बना करके तैयार कर लेंगे। हम सारी टिक्कियाँ रेडी कर लेंगे ऐसे बना करके। तो हम एक एक करके अब सब टिक्की अपनी रेडी कर लेंगे। रेडी करने के बाद देखिए हमारी सारी टिक्कियाँ रेडी हो चुकी है और हम आधा घंटा एक घंटा के लिए इसे छोड़ देंगे हवा लगने के लिए ताकि ये तेल में ना फटे। तो हमने एक घंटे बाद तेल चढ़ा दिया है, तेल हमारा गर्म हो चुका है। टिक्की भी हमारी एक घंटे के बाद रेडी हो चुकी है, देखिए अच्छी तरह से सूख गया है। अब ये फ्राई करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो बस अब हम फ्राई कर लेंगे टिक्की को। हमारा तेल रेडी है, हम फ्लेम को कम करके बड़े को तलने के लिए डाल देंगे। तो हमने एक एक करके बड़े डाल दिए हैं। अब ये धीमी आंच पर बड़े हमारे डीप फ्राई करेंगे। आप चाहे तो इसे सेलो फ्राई भी नॉन स्टिक के तवे पे कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं, उस पर टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है और आप फ्राई भी कर सकते हैं। देखिए हमारे बड़े एकदम अच्छे हैं, टूटे नहीं हैं, नहीं तो साबूदाना के बड़े टूट के बिखर जाते हैं। तो हम इसे अब एकदम करारा फ्राई कर लेंगे। अच्छी तरह से हम इसे पलट पलट कर फ्राई करेंगे दोनों तरफ से। देखिए हमारे बड़े एकदम सिक चुके हैं। हम आँच को थोड़ा सा तेज करके सेकेंगे ताकि हमारे बड़े में तेल नहीं चल जाए। अब हम इसे निकाल लेंगे, पूरा लाल हो चुका बड़ा हमारा, बहुत अच्छा कलर आया है। देखिए हमारे बड़े सिक गए हैं सर। हम इसे निकाल कर अब टिश्यू पेपर निकाल लेंगे और सर्व करने के लिए रेडी है। तो इस नवरात्रि में आप इस बड़े को ज़रूर टेस्ट कीजिएगा, बना करके देखिएगा। देखिए कितनी क्रंची बने हैं, इसकी आवाज़ भी आप सुन लीजिए कितनी क्रंची बने हैं बड़े।
ये बहुत ही टेस्टी है, बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है और ये टी टाइम स्नैक्स के लिए भी बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये रेसिपी आप ज़रूर बनाइए और टेस्ट करके कमेंट में मेरे को ज़रूर बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसे लगी। तो यदि ये रेसिपी आपको पसंद आई तो रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि जो नई नई रेसिपी जो मैं बनाती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास जा सके। तो फिर आज मैं चलती हूँ, फिर आऊँगी नई और ईजी रेसिपी के संग। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।